सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र, एक ही मतदाता सूची से हर चुनाव कराने की मांग की। सपा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को लिखे गए पत्र में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि 4 मई को हुए चुनाव में मतदाता सूची में हर जगह गड़बड़ी मिली है। वाराणसी में कश्मीरीगंज वार्ड में 48 मतदाताओं के पिता का नाम एक ही है, ऐसे में हर चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी ने हर चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि अलग अलग मतदाता सूची होने से ज्यादा गड़बड़ी हो रही है। एक मतदाता सूची होने से आयोग को भी सहूलियत होगी और मतदाताओं को भी। इस संबंध में सपा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजा है। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने आयोग को भेजे पत्र में नगर निकाय चुनाव में भाजपा के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 4 मई को हुए चुनाव में मतदाता सूची में हर जगह गड़बड़ी मिली है। कई मृतकों के नाम पर वोटिंग की गई तो कई तमाम मतदाताओं के नाम काट दिए गए। वाराणसी में कश्मीरीगंज वार्ड में 48 मतदाताओं के पिता का नाम एक ही है, यह गड़बड़ी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगरा में 9 लाख वोट गायब हो गए। कई जगह ईवीएम से छेड़छाड़ की भी शिकायत मिली है। ऐसे में सपा की मांग है कि सभी चुनावों की एक ही मतदाता सूची बनाई जाए, दूसरे चरण के मतदान में मनमानी रोकी जाए।